हेलो एवरी वन वी आर बैक विद चैप्टर नंबर एट विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिक्नोमेट्री सो इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन ओवर दिस चैप्टर सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन इट से इज इक्वल टू फोर बाय फाइव दैन द वैल्यू ऑफ टैन ए इज़ तो आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आपका जो कॉस ए है वो किसके इक्वल है इट इज़ इक्वल टू फोर बाय फाइव और फोर बाय फाइव का मतलब क्या है कॉस की वैल्यू क्या होती है इट इज़ बी ओवर एच मतलब बेस और हाइपोटेनियस आपको ऑलरेडी मैंशनड है बेस और हाइपोटेनियस की अगर वैल्यू आपको दी हुई है इसका मतलब क्या है कि वी कैन फाइंड द पोपेंडिकुलर बेस आपका फोर है हाइपोटेनियस आपका फाइव है वी कैन फाइंड द पोपेंडिकुलर ओवर इट सो पोपेंडिकुलर कैसे निकलेगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस पोपेंडिकुलर स्क्वायर सो दिस इज ट्वेंटी फाइव और ये फोर का स्क्वायर लेफ्ट साइड पर ले जाओ इट इज सिक्सटीन सो यू गेट नाइन एस पी स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ नाइन क्या होता है इट इज़ बेसिकली थ्री थ्री आज पोपेंडिकुलर सो दिस इज योर आंसर पोपेंडिकुलर का आंसर आ गया अब हमें निकालना क्या था हमें निकालना था टैन ए और टैन ए की वैल्यू क्या होती है हमारी इट इज़ पी ओ वो और एंड पोपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारा थ्री है बेस कितना है फोर है सो यू गेट द वैल्यू ऑफ टेन ए यू गेट द वैल्यू ऑफ कॉस फ्राम कॉस से बेसिकली टाने की वैल्यू हमें किससे मिली है कॉसे से ऐसे ही अगर कोई और भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें भी ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हो राइट लेट्स नाओ डू द सेकेंड पार्ट सेकेंड पार्ट है आपका साइन ए इज़ इक्वल टू हाफ देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए इज़ ये मैं चाह ये मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा बिकॉज इट इज़ सेम एज द लास्ट वन बट आपको बताना चाहिए कि साइन ए की वैल्यू क्या होती है सो इफ यू नो यू कैन गो फॉर इट एंड या उन द आंसर फॉर सेकेंड वन लेटा तो सबसे पहले मेरे को एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे की वन माइनस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा कैन बी रिप्लेसड कैसे रिप्लेस किया जा सकता है इसको क्योंकि ये एक क्या है बेसिकली आइडेंटिटी है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की सो यू गेट यू गेट इट एस वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वैल्यू आ गई आपकी और आपको पता है कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है इट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन और यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी कॉसक्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सो यू गेट द आंसर एस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर द सेकेंड ब्राकेट अब हम देखते हैं इसकी बात करते हैं सो ये क्या है हमारा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा और वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं इट इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा ये भी आइडेंटिटी है हमारी सो यूजिंग आइडेंटिटी वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा तो so, ये भी आपने रिप्लेस कर लिया अब हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि सेक्स स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट इट एज वन बाय कॉस थीटा और यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना मत भूलना बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स डू सो कॉस स्क्वायेर थीटर एंड कॉस स्क्वायेर थीटर गेट्स कैंसल यू गेट वन एज द आंसर विच इज सी पार्ट नाउ लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर विच सेज दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a over a over b then cos theta is equal to so same same question यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास क्या है sin theta is equal to a by b और sin theta किसके equal होता है पहले तो ये पता होना चाहिए it is p over h मतलब perpendicular a है और आपका hypotenuse b है अब आप क्या करोगे बेस निकाल लोगे सो यूजिंग फार्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यू विल राइट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस लेट से कि आपका बेस x है ठीक है लेट दिस बी x सो यू विल गेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड लेकर जाओगे तो इट विल बी रूट सो यू गेट दिस वैल्यू एज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नाउ वी हैव टू फाइंड कॉस थीडा कॉस थीडा क्या होता है इट इज बी ओवर एच बेस क्या आपके पास अंडर रुड बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड वॉट इज हाइपोटेनियस इट इज बी सो यू गेट योअर आंसर एज सी पार्ट दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फोर नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव इट्स एस अंडर रूड थ्री टैन थीडा इज इक्वल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइंस स्क्वायर थीटा माइनस कॉ स्क्वायर थीटा सो यहाँ पे ध्यान से देखो तो टैन थीटा की वैल्यू मैंशन की गई है वॉट इज टैन थीटा इक्वल टू इट इक्वल टू वन बाय रूट थ्री अब उसके बाद आपके आपको पता है कि हमारे पास टैन किसके इक्वल होते हैं इट इज़ इक्वल टू पी ओ वो बी एंड इफ पी इज वन पोपेंडिकुलर इज वन बी इज रूट थ्री देन वी कैन ईजीली फाइंड द हाइपोटेनियस ऑफ इट

उसके लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी होनी चाहिए हमारे पास तो सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं साइन थीटा कितना होगा आपका सो पी ओवर एच इट इज वन बाय टू एंड कॉस थीटा इज बी ओवर एच इट इज बेस इज अंडर रूट थ्री हाइपोटेनियस इज टू सो इन दोनों की वैल्यू प्लेस कर दो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज हाफ का स्क्वायर कॉ स्क्वेर थी डर इज रूट थ्री बाय टू स्क्वायेर सो इट विल बी वन बाय फोर है इट विल बी थ्री बाय फोर है सो यू गेट योर आंसर हैज माइनस टू ओवर फोर विच विल गिव यू माइनस वन बाय टू सो लेट मी करेक्टेड मैंने फर्स्ट वाले को करेक्ट करना था इट इज़ वन माइनस वन बाय टू द आंसर इज माइनस वन बाय टू राइट लेट्स हाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स इट्स एज टाने इज इक्वल टू थ्री बाय फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए सो आपको टाने की वैल्यू दी हुई है गेन टाने इज़ बेसिकली थ्री ओ वो फोर पी ओ वो बी पोपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है हमें पोपेंडिकुलर इज थ्री बेस इज़ फोर नाव यू हैव टू फाइंड द हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस फाइव आ जाएगा करके देख लेना अब हमें निकालना क्या साइन ए डॉट कॉस ए तो सबसे पहले वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन है पी ओवर एच पी ओवर एच इज थ्री ओवर फाइव नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस कॉसे बेस ओवर हाइपोटेनियस बेस इज फोर हाइपोटेनियस इज फाइव नाउ वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू साइन ए डॉट कॉस कॉसे इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव इन मल्टीप्लीकेशन विथ फोर बाय फाइव सो यू विल गेट ट्वेल्व ओवो 25 and in this case it is d part it is 12 over 25 right now moving to next question it says question number 7 is in triangle ABC right angled at C we have a triangle and it is right angled at C then they are saying find the value of cos A plus B सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान से देखो तो दिस इज़ इन ब्रैकेट इसका मतलब आपको एंगल ए भी निकालना है आपको एंगल बी भी निकालना है सी तो आपको दिया हुआ है ऑलरेडी इट इज़ 90 डिग्री और यहाँ पे हमें ये दोनों एंगल्स मेंशन नहीं किए गए कि क्या है तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे मान लेते हैं कि हमारा जो एंगल ए है से दैट दिस एंगल इज थीटा जस्ट अ सेकेंड दैट्स एज दिस एंगल इज थीटा एंगल इज थीटा और बी हम निकालना चाहते हैं तो बी कितना होगा नाइन्टी माइनस थीटा जो बचा हुआ होगा नाइन्टी माइनस थीटा इट विल बी तो हमें पता चल गया कि तीनों एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है अब हमें निकालना क्या है वो देखते हैं कॉस ए प्लस बी ए क्या है हमारा इट इज थीटा जस्ट अ सेकेंड ए एज थीटा बीज नाइंटी माइनस थीटा सो थीटा से थीटा कैंसल हो गया आपके पास बचा क्या कॉस नाइंटी और कॉस्ट नाइंटी क्या होता है इट इज जीरो सो योर आंसर टू दिस इज फर्स्ट वन इट्स स्क्वल टू वन दैन द फैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन कॉस स्क्स कॉस रेस टू पावर ए इज सो so, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें गिवन क्या है उसी के अकॉर्डिंग वी कैन चेंज द पार्ट और वी कैन गेट दिस पार्ट दिस एक्सप्रेशन तो सबसे पहले आपके पास है साइन ए प्लस साइंस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन तो मैं कोशिश करूँगी कि साइंस स्क्वायर ए को राइट साइड पर ले जाऊँ वाई आई एम डूइंग दिस आई विल लेट यू नो तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे क्यों लेकर आई राइट साइड पे इसलिए लाई क्योंकि आई नो कि वन माइनस साइंस स्क्वायर मेरा क्या होता है इट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बाई फर्स्ट आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है आप लोगों की कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन राइट तो यहीं से हमें वैल्यू मिल सकती है सो वी गेट कॉस स्क्वायर ए अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस रेस टू पर फोर ए की वैल्यू चाहिए तो अब सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास साइन ए है यहाँ पे हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है तो अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देती हूँ बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे बोथ साइड स्क्वायर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि हमें स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करना है सो so यहाँ पे भी स्क्वायर से करोगे तो ये कितना बन जाएगा कॉस फोर ए अब देखो धीरे धीरे हमारा एक्सप्रेशन जैसा फॉर्म आ रहा है इसका आ ही गया ऑलमोस्ट क्योंकि बस मेरे को क्या करना है अब यहाँ पे साइंस स्क्वायर ए की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है साइंस स्क्वायर ए की वैल्यू इसी आइडेंटिटी में से निकालो साइंस स्क्वायर ए विल बी एक्ल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस रेस टू पार फोर ए अब आपके पास देखो ध्यान से क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए को राइट right साइड ले जाएंगे सो इट विल बी कॉस रेस टू पार फोर ए कॉस स्क्वायर ए और हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या बचा इट इज़ वन सो यस आंसर टू दिस इज़ वन फर्स्ट वन लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर नाइन इट्स इज गिवन दैट साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू हाफ देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा और बीटा क्या है बेसिकली हमारे एंगल्स हैं तो हमें बताना है कि अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये इसमें कुछ भी नहीं करना देखो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हमारा साइन हाफ कब होता है तो हाफ़ कब होता है आपका साइन इट इज़ एट साइन थर्टी डिग्री तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी इट इज़ थर्टी कॉस्ट बीटा क्या है आपके पास हाफ है हाफ की वैल्यू कब होती है कॉस्ट की इट इज़ एट सिक्सटी डिग्री तो हम हाफ़ की जगह क्या रखेंगे कॉस्ट सिक्सटी इस चीज़ का ध्यान रखना जो भी यहाँ पे एंगल है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होनी चाहिए देन ओनली वी कैन कंपेयर दीज टू वैल्यूज़ सो बीटा की वैल्यू सिक्सटी आ गई अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया आपका इट इज़ थर्टी प्लस सिक्सटी विच इज़ नाइनटी डिग्री सो लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन now यू हैव क्वेश्चन नंबर 10 which इज़ वेरी वेरी important. so यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है वी हैव 4 tan theta is equal to थ्री तो so, सबसे पहले आप क्या करोगे tan की वैल्यू निकाल लोगे tan theta विल बी 3 over 4 अब यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है और इस एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन सी हैं आपकी एक साइन थीटा है और एक कॉस थीटा है तो साइन थीटा भी निकालना है आपने और आपने कॉस थीटा भी निकालना है तो साइन थीटा कैसे निकलेगा और कॉस थीटा कैसे निकलेगा विद द हेल्प ऑफ पैथको रिस्त्री सो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू पी ओवर बी पोपेंडिकुलर थ्री बेसिस फोर एंड हाइपोटेनियस विल बी फाइव अब आपने क्या करना है साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी हो आपकी पी ओवर एच विच इज़ थ्री ओवर फाइव

दैन यू कैन प्लेस द वैल्यू ऑफ फोर साइन थीटा साइन थीटा कितना है हमारा इट इज़ थ्री बाय फाइव दैन कॉस्ट थीटा कितना है इट इज़ फोर बाय फाइव अब यहाँ पर हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे सो देट वी कैन गेट द वैल्यू तो सबसे पहले फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व बाय फाइव माइनस फोर बाय फाइव और नीचे कितना बचा आपके पास इट विल बी ट्वेल्व बाय फाइव प्लस फोर बाय फाइव सो यू गेट ट्वेल्व माइनस फोर विच इज़ एट बाय फाइव you get 16 over 5 5 so 5 cancel 8 or 16 can be cancelled as well so you get your answer as 1 by 2 so your answer to this is 1 by 2 which is option number c yes this is all from trigonometry we'll try to cover more questions related to it so do subscribe the channel and share it with your friends so that they can also be uh, get benefited right so yes thank you for watching have a great day and yes, thank you.